देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुनाहगार। मैं हूं आपके साथ मनीष भदौरिया। आज के एपिसोड में हम आपको जुर्म की दुनिया के खौफनाक चेहरों से मिलवाएंगे, क्राइम की उन सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाएंगे जिनके खौफनाक मंसूबे आपको भी हैरान कर देंगे और पीड़ितों की चीखें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सोचिए, किसी दिन देर शाम आपके घर की घंटी बजे, आप दरवाजा खोल के देखें तो दो शख्स आपका इंतजार कर रहे हों। आप उनकी तरफ बढ़ें तो वो आपके पैर छूकर आपको सम्मान दें, पर अचानक दोनों शख्स आपके सर पे बंदूक तान दें। ये मंजर सोचकर भी दिल दहल जाएगा, पर ऐसा ही कुछ हुआ है औद्योगिक नगरी कानपुर में, जहां रात के अंधेरे में आरोपियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जमीनी विवाद बन गया काल, बदमाशों ने वकील को बनाया निशाना, घर के बाहर वकील की हत्या। पहले आरोपियों ने वकील के छुए पैर, फिर गणपति पर मार दी गोली। एक तरफ जहां सरकार की ओर से कानून व्यवस्था की दुहाई दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पास वकील की हुई हत्या ने कानपुर पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरी घटना वकील के घर के बाहर ही हुई थी। वकील को मारी गई गोली की गूंज ने एक बार फिर से पूरे शहर को दहशत मिला दिया है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के नवाबगंज इलाके के गंगानगर हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां आईआईटी से रिटायर्ड रजिस्ट्रार और वकील 78 साल के राजा राम वर्मा को दो बदमाशों ने उनके घर के बाहर बुलाकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सर पर गोली लगने की वजह से वकील की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इस मामले पर परिजनों ने बताया कि राजा राम की हत्या से करीब एक घंटे पहले बदमाशों ने वकील को फोन किया और कहा कि वो उनके घर आ रहे हैं। तब तक राजा राम को इस अनहोनी की कोई भी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद करीब 8:30 बजे राजा राम के घर की घंटी बजती है। वहीं राजा राम ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो बदमाशों ने उनकी कनपटी में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले राजा राम के पैर छुए, जिसके बाद आरोपियों ने वकील को गोली मार दी। ये पूरा मामला इतनी जल्दी हुआ कि राजा राम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वही गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही परिवार के लोग बाहर आए, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे और वकील राजा राम खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। आज किसकी हत्या हुई आपको? मेरे पापा। क्या नाम है? राजा राम, श्री राजा राम वर्मा की। किसी के ऊपर शक है या पहले से कोई विवाद? कभी हमने नहीं देखा। कितने बजे उनकी हत्या हुई? ये हुई है 7:30 बजे करीब, गोली चलाई है। फिर आपने क्या पुलिस को सूचना दी? नहीं, हमने नहीं दी। भाई आया था, गेट खोला है पापा ने, गेट खोला है। अब कोई यहाँ खड़ा हो या क्या हो, उसने तुरंत गोली मारी। भाई ने अपनी गाड़ी फेंकी और फेंक के गाड़ी अंदर उठा के फोर व्हील
पापा को लेके हम लोग भागे। तब तक मेरी छोटी बहन बाहर आई, हमको चिल्लाया, पप्पी दीदी पापा को किसी ने गोली मार दी। हम लोग ऊपर थे, नीचे भागे, पापा यहीं पे इस गड्ढे के पास पड़े थे। हमने अपना हाथ ये लगा दिया कान में अपना खून बहने के रोकने के लिए, और फिर अपना जो शॉल ओढ़े थी वही हमने गले में लपेट दिया उनके। तो उनको देखा कहाँ उनके गोली लगी थी, किस जगह? कान पे, कान के पास, इधर ही से खून निकलते मुझे दिखा, और हमने देखा नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ। हाँ एग्जैक्ट नहीं पता, मैं हमने अपना हाथ लगाया था कि खून रुक जाए बस किसी तरीके। कितने बजे की घटना है ये? 7:30 के आसपास की घटना है। 7:30 से 7:30 7:30 के आसपास ही, 7:30 से 7:30 के बीच में। आपके पिताजी क्या करते थे? एडवोकेट थे, रिटायर रजिस्ट्रार थे IIT। किसी से कोई रंजिश, किसी का कोई रंजिश या कुछ कभी ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि लड़ाई झगड़ा कभी कोई विवाद हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा बताया, बस NRI सिटी से विवाद चल रहा था। विवाद चलता है वो क्या? NRI सिटी से क्या विवाद चल रहा है? वो मेरी जमीन लेना चाहते थे सिटी में, उसको वो लेना चाहते थे और वो फ्री में लेना चाहते बस, और कोई नहीं। पापा ने बहुत साल पहले से केस चल रहे हैं, पापा ने बहुत साल से अपनी जमीन देना नहीं चाह रहे थे और वो जबरदस्ती लेना चाह रहे थे बस। ठीक, और कोई वो नहीं, हमें नहीं पता और बाकी क्या है डिटेल अंदर। इसके बाद परिवार के लोगों ने तत्काल वकील को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान डॉक्टरों ने देखते ही वकील को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अब इस मामले में सर्विलांस और CCTV फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ये भी कयास लगा रही है कि हत्या भाड़े के बदमाशों से कराई गई है। पुलिस ने पूरे शहर में फिलहाल नाकेबंदी कर चेकिंग लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर नहीं मिल पा रही है। माना जा रहा है कि बदमाश बैराज की तरफ से फरार हो गए हैं। पुलिस की अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि राजाराम मैनावती मार्ग स्थित एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक व बिल्डरों से जमीन के विवाद को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे। जानकारी के अनुसार इनकी जमीन कब्जा कर ली गई थी, जिसको लेकर राजा राम के कई मुकदमे भी चल रहे हैं। राजा राम मामलों की खुद पैरवी कर रहे थे, फिलहाल जिसको हत्या की वजह मानकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच करने में जुटी हुई है। आज जो ये मामला हुआ है क्या बताइए? देखिए, गंगानगर कॉलोनी जो है नवाबगंज क्षेत्र में जो पड़ते हैं वहाँ पे राजा राम वर्मा नामक व्यक्ति का अंदर की सूचना मिली थी हमें। ये करीब शाम को 7:36 से हुआ बोलते उनके परिवार कह रहे हैं, लेकिन उनसे कोई कॉल हमें 112 या ताने को या चौकी पे नहीं मिला था। लेकिन जो यहाँ पे जो कुछ व्यक्ति है उनसे सीधा कॉल आया था, तो उसी के आधार पर हम आए थे। तो ये सूचना सही है, उनके बेटे जो है वहाँ तुरंत, मतलब जब घटना हुई है उसी के बाद तुरंत स्वरूप ले गए थे, और वहाँ पे अभी फिलहाल हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी मृत्यु हुई है। तो कार्रवाई चल रहा है, टीम लगे हुए हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अभी उनको पकड़ लेंगे। कानपुर में अपराधियों के हौसले बेलगाम हो गए। अभी कुछ दिन पहले कचहरी परिसर के अंदर एक वकील हत्या का मामला सामने आया था, वहीं दूसरे अधिवक्ता का भी मामला, एक नवाबगंज शासन क्षेत्र में दूसरे वकील के भी हत्या का मामला सामने आया, जिसको चलते वकील को घर के नीचे बुलाकर कुछ गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र है, जिसपे BBTGS पूर्ति ADC पश्चिम के नेतृत्व में आज 3 लोगों की गिरफ्तारी करी जा चुकी, जिसमें षडयंत्र रचने वाला राम खिलावन की भी गिरफ्तारी बाकी, जो कि मुख्य जिसने षडयंत्र करता था, जिसने मुख्य भूमिका निभाई थी इसको प्लान को, उसने पुलिस अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामला भू माफियाओं से जुड़ा हुआ आया है, जमीन कब्जे को लेकर माफिया एक, वहीं कहीं ना कहीं पुलिस भी अब इन पर नकेल कसने के लिए तैयार हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गुप्ता के साथ मैं रिजवान आलम, Prime TV न्यूज़ कानपुर। ये पहला मामला नहीं है जहां वकीलों पर हमला हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले कानपुर कचहरी में एक वकील की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इन मामलों के सामने आने के बाद जहां एक और कानपुर में दहशत का माहौल है, वहीं कानपुर पुलिस भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसी के साथ चलिए अब अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। अगला मामला जो हम आपको बताने जा रहे हैं
वो अवैध रिश्तों से जुड़ा है, जहां परिवार की इज्जत बचाने के खातिर रिश्ते में देवर और भाभी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया और भाभी के आशिक की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अवैध संबंधों ने ले ली जान, परिवार की इज्जत के लिए हुई हत्या। भाभी ने देवर संग प्रेमी को रास्ते से हटाया, लाश के किए 12 टुकड़े। घाघरा नदी में लाश को लगाया ठिकाने। परिवार की इज्जत बचाने की खातिर ये खूनी खेल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खेला गया, जहां अवैध संबंधों के चक्कर में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद देवर ने लाश के 12 टुकड़े कर शव को घाघरा नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए आरोपी भाभी और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। दो लोग जा रहे हैं, सर्वेश और प्रतभाषी उसकी भाभी है सर्वेश की, ये दोनों लोग अरेस्ट होकर जेल जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले कई दिनों से मृतक लवकुश लापता बताया जा रहा था। उसकी पत्नी अपने पति को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक लवकुश का अमोली कला निवासी एक महिला के साथ अवैध संबंध का पता चला, जिसके बाद मामले की जांच को और आगे बढ़ाया गया। तो उसके बाद जो खौफनाक सच सामने आया, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। वहीं इस पूरे मामले में सर्विलांस की मदद से प्रभारी निरीक्षक रामनगर विनोद बाबू मिश्रा की टीम ने घटना का खुलासा किया और दो आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं रामनगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार दुबे ने पूरे मामले का खुलासा किया, जहां बताया गया कि भैरमपुर का लवकुश जायसवाल अमोली कला में अंडे की दुकान चलाता था। वहीं अमोली कला में एक महिला के साथ लवकुश का अवैध संबंध हो गया। वहीं महिला का पति भी फरवरी से एक मुकदमे के चलते जेल में बंद था, जिसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ आशिकी लड़ा रही थी। एक लवकुश जायसवाल है, शराब लाल जी जायसवाल, ये निवासी बहरमपुर के हैं। ये अमोली कला में एक शराब की ठेके की दुकान है, उसके बगल में ये अंडे की इनकी दुकान है, तो वहाँ पर अंडे की दुकान चलाती थी। 24 तारीख को लवकुश जायसवाल अपनी दुकान बंद करके और इसके प्रतिभा के पास आया। आने के बाद में घर में इसके पास सोया, ये बात इसको भनक लग गई सर्वेश को, तो सर्वेश ने अपने भाभी से पहले से तय कर लिया कि ये तुम गलत कर रही हो, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया और उसको दोनों ने मिल के घर में उसी दिन मार दिया। वहीं महिला के देवर को जब इस अवैध रिश्ते के बारे में पता चला, तो परिवार की इज्जत बचाने की खातिर भाभी के आशिक को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। वहीं आरोपी महिला ने अपने देवर के कहने पर अपने आशिक लवकुश को अपने घर बुलाया और उसके बाद देवर और भाभी ने मिलकर लवकुश की हत्या कर दी। किसी तरह इनका संपर्क हो गया लवकुश जायसवाल का,
इस महिला से, प्रतिभाषियों से ये बात चर्चा में आई और ये चर्चा रितेश के भाई सर्वेश सिंह है उसको किसी तरह पता लगी कि मेरी भाभी के संबंध जो है इससे लवकुश जायसवाल से हो गए हैं। 24 तारीख को लवकुश जायसवाल अपनी दुकान बंद करके और इसके प्रतिभा के पास आया, आने के बाद में घर में इसका सोया, ये बात इसको भनक लग गई सर्वेश को, तो सर्वेश ने अपने भाभी से पहले से तय कर लिया कि ये तुम गलत कर रही हो, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया और उसको दोनों ने मिल के घर में उसी दिन मार दिया। इसके बाद लवकुश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक खूंखार प्लान बनाया गया। देवर और भाभी ने मिलकर लवकुश की लाश के 12 टुकड़े किए और सभी टुकड़ों को एक एक करके घाघरा नदी में फेंक दिया गया। पहले उसे सिलबट्टा होता है उससे उसका सर कुचल दिया, कुचलने के बाद में इसने अपनी भाभी को नेक्स्ट डे सुबह मायके भेज दिया, गोंडा में जिसका मायका वहाँ भेज दिया और इसके बाद में इसने रामनगर से गड़ासा ले जाकर उसमें धार लगवा के उसके 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में अगले दिन रात में 2 बोरियों में भरकर इसकी डेड बॉडी को घाघरा नदी में बहा दिया। महिला के देवर ने भाभी को पहले अपने पक्ष में करके लवकुश को घर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी से लवकुश लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि लवकुश महिला से मिलने के लिए उसके घर आया था और उसी के बाद से वो लापता था। दिन घटना 24 तारीख की है, तो 24 तारीख को जब ये गायब हो गया तब 25 तारीख को उसकी पत्नी ने, लवकुश की पत्नी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद में फिर भी पता नहीं लगा तो उसको शक हुआ, किसी ने देखा कि वो जहाँ जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बात फैल गई थी। 8/12 को मुकदमा पंजीकृत किया गया एक महिला अज्ञात के खिलाफ, जिसमें प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने अपने सर्विलांस की मदद लेकर इसमें मुलजिम को वर्कआउट किया, मुलजिम को तस्दीक किया और तस्दीक करने के बाद से गिरफ्तारी सुनिश्चित की, प्रयास किया डेड बॉडी खोजने का, डेड बॉडी नहीं मिल सकी, लेकिन उसके घर में जो उसको बाद में काटा था बाकी से वो खून के छींटे, कुछ कपड़े वगैरह वो बरामद हो गए हैं, उसको सील किया गया है। डेड बॉडी का प्रयास जारी है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, जहां पर आरोपी देवर ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। उसने बताया कि उसने लवकुश के 12 टुकड़े करने के बाद सभी टुकड़ों को बोरियों में भरकर घाघरा नदी में फेंक दिया था। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे अगले शनिवार और रविवार गुनाहगार के साथ एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।